नमस्कार दोस्तों, मैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पठन कौशल से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को बताया, समस्यात्मक बातों को बताया। अब लेके चलते हैं आपको कि अगर किसी बच्चे में पठन कौशल का विकास करना हो तो उससे संबंधित किन किन मुख्य बिंदुओं या तथ्यों पर ध्यान देना है, उसको हम ध्यान में रखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहला बिंदु ये है कि पठन कौशल का आरंभ अर्थ के साथ, अर्थयुक्त सामग्री से या किसी उद्देश्य के लिए किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चों के समक्ष जो भी सामग्री उपलब्ध हो पढ़ने के लिए, उसका अपना कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो, मतलब अर्थयुक्त सामग्री उन्हें दें। दूसरी चीज ये कि जो पढ़ा भी जाता है तो पढ़ने का भी अपना एक उद्देश्य होता है, क्यों पढ़ते हैं, रीजन क्या है, इत्यादि सारी चीजें। इसका मतलब पठन क्रिया सदैव अर्थयुक्त सामग्री से एवं किसी न किसी उद्देश्य के लिए किया जाता है। दूसरे बिंदु की ओर चलते हैं। पठन कौशल में जरूरी है कि भाषा की संरचना से संबंधित समझ विकसित करें बच्चों में, अर्थात बच्चे जो भी पढ़ें या उनको आप पढ़ाना चाहें तो भाषा की संरचना, भाषा का जो स्ट्रक्चर है, चाहे अंग्रेजी हो उसके जो वर्ण या अक्षरों की प्रवृत्ति है, या हिंदी हो उसके वर्णों या फिर शब्दों की जो संरचना की प्रवृत्ति है, उसके प्रति बच्चों को सचेत करते हुए पढ़ने का पर्याप्त अवसर दें और उन्हें पढ़ाएं। इसके बाद वर्णमाला याद करना, वर्णमाला याद रहेगा तभी पठन क्रिया सही से हो सकती है, अन्यथा पढ़ने में दिक्कत आ जाएगी, इसलिए पढ़ने के लिए वर्णमाला भी बहुत जरूरी है, बच्चों को याद करा दे। लिंग से मुक्त होकर पढ़ने के लिए कहना, तो ध्यान दीजिएगा, लिंग से मुक्त होकर के बच्चों को पढ़ने के लिए कहें, जिससे कि ये न फील हो ये लड़का है ये लड़की है, या आप ये न कहें कि तुम लड़के होकर नहीं पढ़ पा रहे हो, या जो है दूसरा न कहें कि तुम लड़की होकर यह काम नहीं कर पा रही हो, या ये चीज़ नहीं पढ़ पा रही हो, या गीत नहीं गा पा रही हो, या जरूरी नहीं कि लड़की ही गाए लड़का न गाए। तो ध्यान दीजिएगा, लिंग से मुक्त होकर के किसी बच्चे को लिंगीय विभेदीकरण को बढ़ावा देने वाले शब्दों या पढ़ने की प्रक्रिया संपन्न ना करें, अन्यथा उनमें हीनता की भावना प्रबल होगी और लिंगीय विभेदीकरण को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ साथ नेक्स्ट है, पठन सामग्री के साथ चित्रों का प्रयोग होना चाहिए। प्रश्न ये उठा कि जो पठन अर्थयुक्त जो पठन सामग्री हो वह चित्रों से युक्त, पठन सामग्री में चित्रों का प्रयोग करने से क्या बेनिफिट है। जो भी बच्चे के लिए हम पठन सामग्री या पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराएं उसमें चित्रों का भी प्रयोग करें आप। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि चित्रों में बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं और क्या होते हैं, पढ़ने के लिए ज़्यादा तैयार होते हैं। जो चीज़ें उनके कम समझ में आती है चित्रों को देख करके गेस कर लेते हैं कि हाँ यही चीज़ है। तो इस तरह से अगर चित्रों का प्रयोग उनके पठन सामग्री में आप कर देंगे तो पढ़ते समय बच्चे चित्र के आधार पर पठन सामग्री का स्वयं अनुमान करने लगते हैं और तरह तरह की विचारधाराएं उनके मन में आने लगती है। इससे उनमें कल्पनाशीलता का भी विकास होता है, रुचि का भी विकास होता है। आगे लेके चलते हैं, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग पर बल दें। बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग पर बल से तात्पर्य यह है कि आप जब भी कोई साहित्य पढ़ाएं, और आपको पता है बच्चों के लिए बाल साहित्य जीव जंतुओं पशु पक्षियों के आसपास से चीज़ों से संबंधित जो कहानी कविताएं हैं उनसे संबंधित आप जो है उनको पढ़ने के लिए कहिए। अब पढ़े ही ना, उनका व्यवहार में प्रयोग भी करें कि जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं, जैसे आप नाटक पढ़ने के लिए दे दिए, नाटक पढ़ लिए उसके बाद उसी का मंचन करा दीजिए, कक्षा अभिनय करा दीजिए, तो इससे क्या होता है तो बच्चे व्यवहार में जान लेते हैं कि जो मैंने पढ़ा उसका मतलब संसार में ये है। इसलिए कहा गया है बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग पर बल दें, जिससे कि बच्चा अभ्यस्त हो जाएगा, व्यवहार में कोई चीजें आएंगी तो अपने आप सारी चीजें समझ में आ जाएगी। सर्वप्रथम ऐसे बच्चे से पढ़ने के लिए कहिए जिसमें शुद्धता स्पष्टता हो। नो डाउट हमें पता है कि आदर्श वाचन शिक्षक करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे बच्चे से भी करा दिया जाता है जिस बच्चे में शुद्धता स्पष्टता हो।
तो ये आप मान लीजिए अनुकरण वाचन ही करवाना चाह रहे हैं, अव्यक्तिगत अनुकरण वाचन तो बल दे रहे हैं, तो ऐसी दशा में आप सर्वप्रथम ऐसे बच्चे से मत खड़ा होकर पढ़ने के लिए कहिए मौखिक रूप से जिसके उच्चारण में दोष हो। सर्वप्रथम ऐसे बच्चे से कहिए पढ़ने के लिए जिसमें उच्चारण का दोष कम हो, तो ऐसी दशा में होगा क्या, अन्य बच्चे भी देखकर उसे प्रेरित होंगे और उसी तरह से अनुकरण करने की चेष्टा करेंगे। इसलिए आप सबसे पहले अनुकरण वाचन करवाइए, चाहे आदर्श वाचन करवाइए, ऐसे बच्चे से करवाइए जिसमें शुद्धता एवं स्पष्टता अन्य बच्चों की तुलना में अधिक है। इसके बाद आता है आदर्श वाचन और आपका अनुकरण पठन या वाचन। प्रश्न ये उठता है कि आदर्श वाचन क्या है। देखिए ध्यान दीजिएगा, कक्षीय दृष्टि से पठन दो ही प्रकार के होते हैं। कक्षीय दृष्टि से पठन दो प्रकार के होते हैं। कक्षीय दृष्टि से पठन पठन दो ही प्रकार के होते हैं। एक होता है आदर्श पठन, दूसरा है अनुकरण पठन। अनुकरण पठन, आदर्श पठन आइडियल रीडिंग, अनुकरण पठन उनका अनुकरण करके उनकी नकल करके जो पढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आदर्श पठन सामान्य रूप से शिक्षक के द्वारा होता है। शिक्षक स्वयं पढ़ता है, पढ़ने के पश्चात बच्चों से पढ़ने के लिए कहता है। तो जब बच्चे पढ़ते हैं ये सामान्य रूप से किसके द्वारा होता है, शिक्षक के द्वारा, और ये सामान्य रूप से किसके द्वारा, बच्चों के द्वारा। तो प्रश्न उठता है क्या आदर्श वाचन बच्चों के द्वारा हो सकता है। हाँ, ऐसे बच्चे से शिक्षक करवा सकता है जिसमें उच्चारणगत शुद्धता और स्पष्टता अधिक होती है। ध्यान दीजिएगा, तो अनुकरण वाचन और आदर्श वाचन इसमें कमियां मिलने के चांसेस नहीं होते हैं आदर्श वाचन में, क्योंकि शिक्षक पढ़ता है या ट्रेंड लोग पढ़ते हैं। जबकि अनुकरण वाचन किसके द्वारा, बच्चों के द्वारा होता है। अब आपको पता है कि कमियों का पता कब चलेगा, जब बच्चे पढ़ेंगे, क्योंकि यहां तो कमियां होंगी नहीं। इसलिए पढ़ने की कठिनता परिलक्षित होती है, कहां होती है, अनुकरण वाचन में। जब बच्चे पढ़ेंगे तभी गलती दिखेगी और तभी हम उन गलतियों को क्या करेंगे, दूर करेंगे। इसलिए काठिन्य निवारण, कठिनता का निवारण, कठिनता को दूर किस वाचन के पश्चात होता है, किस पठन के पश्चात होता है, अनुकरण पठन। कभी एग्जाम में पूछ ले, एक बार पूछ चुका है कि कठिनता का निवारण किस वाचन के पश्चात, किस पठन के पश्चात किया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा अनुकरण पठन या वाचन पर। क्यों किया जाता है, क्योंकि बच्चे जब पढ़ते हैं तभी हमें गलतियों का पता चलता है, और जब गलतियों का पता चलेगा तभी तो हम उसको दूर करेंगे, कठिनाई को दूर करेंगे पढ़ने संबंधित। इसलिए काठिन्य निवारण किस वाचन के पश्चात होता है, अनुकरण वाचन के पश्चात होता है। इस तरह से आपने इन चीजों को जाना। प्रश्न ये उठा कि मान लीजिए बच्चे पढ़ते समय किस तरह से पढ़ें, तो ध्यान दीजिएगा पढ़ते समय जो भी चीजें यूज करें, तो देखिए आप इस तरह से दो उंगली इधर और तीन उंगली इधर पीछे की ओर इस तरह से पुस्तक को पकड़ना चाहिए। इस तरह से पकड़ते हुए इस पुस्तक और जो नेत्र के मध्य जो सामान्य दूरी साइंस ने बताया है वह 25 सेंटीमीटर। कितनी, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर को अगर आप इंच में बदलते हैं तो लगभग 10 इंच आता है। कितना, 10 इंच आता है। इस तरह से आप जान लें कि पुस्तक और नेत्र के मध्य की जो दूरी हो वह 25 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। यह उचित दूरी मानी जाती है, जो लगभग 10 इंच। तो ध्यान दीजिएगा, एक बार एग्जाम में पूछ चुका है ये, लेकिन वहां पर आंसर उसने 12 इंच माना था,
ध्यान दीजिएगा, वो पहले आंसर में माना था, बाद में संशोधन करके कई लोग और पास हो गए थे, तो लोगों को ये नहीं पता। आज भी मार्केट में 12 इंच ही चल रहा है, पिछला जो आंसर की आया था उसी के आधार पर, क्योंकि दोबारा वो आंसर की नहीं देता है, बल्कि जो रिजल्ट संशोधित करता है उसमें नंबर जोड़ करके दे देता है। तो याद रखिएगा, 10 इंच ही ज़्यादा बेटर मानिएगा। इसके बाद लेके चलते हैं कि जो अगर बच्चों में पढ़ने कौशल का विकास करना हो तो इसके लिए जो उन्हें पठन सामग्री दी जाए, ध्यान दीजिएगा, वह चित्रात्मक हो, संदर्भ युक्त हो, उनकी स्थितियों परिस्थितियां सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो और पूर्व अनुभवों के आधार पर हो। बच्चे जो कुछ पूर्व अनुभव में जानते हैं उसके आधार पर उन्हें पठन सामग्री दी जानी चाहिए, जिससे कि वे स्वयं से अनुमान करके, चित्रों से भी स्वयं अनुमान करते हैं, संदर्भ से भी और पूर्व अनुभवों से भी स्वयं अनुमान करके अर्थ को जान सकें और पढ़ सकें। इस तरह से आगे की ओर चलते हैं हम, कि अगर किसी भी बच्चे में